यकीन नहीं होता ये जगह दिल्ली में है। स्वागत है आपका डे 66 100 डेज 100 प्लेस इन दिल्ली में। तो आज हम आ गए हैं असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ टिकट नहीं परमिट लेना पड़ता है जो कि पर पर्सन 10 रुपीज का पड़ेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी से आए। अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप इस गोल्फ कार्ट में भी जा सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको 6 लोग चाहिए होंगे वरना ये काफी वेट करवा सकते हैं इस चीज के लिए। नीली झील तक जाने का रास्ता 16 किलोमीटर तक का है और इसके बीच में आपको कई सारे एनिमल्स भी दिख सकते हैं। यहाँ 8 लेपर्ड्स को छोड़ा गया है जिनको खाना देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो शिकार खुद ही कर लेते हैं। और ड्राइवर भैया ने भी ये बताया कि लेपर्ड्स रोड पार करते हुए कई बार उनको दिखे हैं। अगर वीकेंड तो यहाँ कार्ट से मत आना क्योंकि मेरी तरह आप भी धूल से भर जाओगे। हमें तो रास्ते में कई डियर्स, कई सारे बंदर और मोर दिखे। एक तरफा मैं मना रहा था कि मुझे लेपर्ड दिख जाए और एक तरफा मेरा मन बोल रहा था ना ही दिखे तो अच्छा है। फिर हम पहुंचे नीली झील। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में एक हिल स्टेशन है। ये पीछे नीली झील जो है वो अपने आप में बहुत कमाल लगती है। यहाँ कई सारे फूल भी लगे हुए हैं और साथ ही फूड कार्ट भी है। यहाँ आपको काफी टाइम मिल जाएगा जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और काफी जगह एक्सप्लोर करने के लिए ये हट्स है, वहाँ पे पहाड़ भी है, तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 32.71 किलोमीटर से फैला हुआ है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दिल्ली में ऐसी भी जगह है। बाहर आने के बाद आप बटरफ्लाई गार्डन में भी जा सकते हो जिसमें आपको कई सारी रेयर्स बटरफ्लाई देखने को मिलेंगी, और साइकिलिंग के लिए नीम तालाब भी जा सकते हो। आप यहाँ कैब करके आ तो सकते हो मगर वापस जाने के लिए ना आपको ऊबर मिलेगी ना कोई ऑटो। फिर आपको लास्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो हमने चूज किया। हमने भी लिफ्ट ली मेट्रो तक के लिए। तो फिर आपको बताया मेरे साथ असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आकर। मैं मिलता हूँ कल एक नई लोकेशन के साथ।